बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रवायत इज़्ज़त अमार काबिलियत सफ़ीर पाकिस्तान जनाब इम्तियाज़ अहमद खान साहब, दीगर एम्बेसी के जितने भी आज सराब हैं, कमेटी के माजूर मकान जो दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए, उन सब को अपने भाई की तरफ से प्यार भरा और मोहब्बत भरा सलाम कबूल। जैसा कि मुझसे पहले मेरे मोहतरम जनाब मिर्ज़ा खलील बेग साहब बात कर रहे थे और स्वागत कर रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी आपके सामने बता रहे थे, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जनाब इम्तियाज़ अहमद खान साहब जब से जापान में रहे हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि जापानी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर और फिर सियासी तालिबात, फिर माशी तालिबात, तजारती तालिबात अलग से इन्होंने कोशिश की है कि जो है पाकिस्तान और जापान के तालिबात जो है वो मज़ीद बेहतर रहे, और इसमें काफ़ी बेहतरी भी आई है। इस पर मैं इम्तियाज़ अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम और पूरे स्वागत खाना पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ कि जब भी मैं इम्तियाज़ अहमद साहब से मिला हूँ, हमेशा इन्होंने यही कोशिश किया, यही बताया। जब मैंने भी इनसे कोशिश किया और मुझे बताया कि 2006 में जब ये जनूबी कोरिया में सफीर पाकिस्तान थे, तो इन्होंने अपनी खसूसी लगन और दिलचस्पी से बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोरिया के अंदर रोज़गार फराहम किया। और इस सिलसिले में अपनी टीम और मैं तकरीबन 3 साल से ये इसी कोशिश में लगे रहे कि जापानी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर जो है मुतारफ कराया जाए और वहाँ से पाकिस्तानी जो टैलेंटेड लेबर है उसको जापान के अंदर जो है वो पहुँचाया जाए। मैं इन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि गुज़श्ता 2-2.5 साल से जो कोरोना के मामलात हैं उससे बहुत सारे मामलात रुके हुए रहे, और आखिरी दम तक भी डॉक्टर साहब इम्तियाज़ साहब बड़े पुरामीन थे कि इंशाल्लाह जो है कि वो जो पाकिस्तान से जो जो हुआ था वो जापान में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और जब हाल ही में जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, वहाँ पर जो वज़ारत ओवरसीज़ है उसे पाकिस्तानियों से जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ वसूल करने शुरू कर दिए, और जल्द ही जो इम्तियाज़ साहब के जब इम्तियाज़ साहब इधर नहीं भी रहेंगे लेकिन इनका ये कारनामा हमारे दिलों में हमेशा याद रहेगा, जब वो पाकिस्तानी जापान के अंदर आएंगे अपना रोज़गार करेंगे, तो यकीनन इनकी दुआएं भी और इनकी जो है ये बड़ी कामयाबी। और इसके साथ मैं समझता हूँ जो स्वागत खाना पाकिस्तान का जो दिगर आमदा है वो इस मामले को यहाँ पर ही ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी हज़ारों पाकिस्तानियों को जापान के अंदर सेटल करके छोड़ेगा। और इसके अलावा स्वागत खाना पाकिस्तान की जब से इम्तियाज़ अहमद साहब मौजूद थे, कश्मीर की हर फोरम पर आपको पता है कि साल में 5-6 प्रोग्राम होते हैं, हमेशा स्वागत खाना पाकिस्तान ने कश्मीरियों की हमायत जारी रखी, और पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी जब भी कश्मीर के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ तो इम्तियाज़ साहब ने उसे स्वागत खाना के अपने स्वार्थी जरिए से भी हल करने की कोशिश की, और हमेशा स्वागत खाना पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से स्पेशल तकरीबात का इनका किया। इस पर भी मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपको पता है कि मैं हाल ही में पाकिस्तान से कश्मीर की आला क़यादत से मुलाकात करके आया हूँ, और यकीन जाने जो कश्मीरी क़यादत हैं इम्तियाज़ अहमद खान साहब, स्वागत खाना पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम इतना खुशी का इजहार किया कि मैं आपका अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह ये भी आपको बताता चलता हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर में आला आज़ाद कश्मीर की क़यादत जितने भी सियासी क़यादत है वो जल्द इंशाल्लाह जापान में भी दौरा करेगी, और जापान में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा करेगी, और उनके साथ मिलकर कश्मीर का जो है एक मजीद जो है आलमी मौके पर उनको पज़ीराई मिलेगी। और जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं जापान में, ये G8 का मुल्क है, और यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो पूरी दुनिया में गूंज उठती है। जब हम कश्मीर का कोई प्रोग्राम करते हैं बाहर उसमें इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन हमारी जो आवाज़ होती है, जब मैं पाकिस्तान में गया जब कश्मीर की आला क़यादत से मुलाकात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम टोक्यो के अंदर जो बात करते हैं एक तरह हमारी आवाज़ वो अमेरिका तक पहुँचती है, तो दूसरी तरफ हमारी वो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के उन मुतासर भाइयों तक भी पहुँचती है, उनको पता चलता है कि जो कश्मीर के अंदर जो जापान के अंदर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उनको तनहा नहीं छोड़ती, और हर फोरम पर वो उनका प्रोग्राम इनकार करती है। मैं कश्मीर यकजहती फोरम के सदर जनाब शाहिद मुजीब एडवोकेट साहब, जनाब मिर्ज़ा खलील बेग साहब और तमाम कश्मीरी क़यादत उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी हमेशा कश्मीर काज को आलमी सतह पर उठाया है। और इसके अलावा पाकिस्तान कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब भी शाहिद मुजीब साहब ने जब भी कश्मीर के हवाले से कोई कॉल दी तो पूरी कम्युनिटी जो है उनकी शाना बशाना खड़ी हुई है। इस पर भी मैं अपनी तमाम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं स्वागत खाना पाकिस्तान उसे और जो सीनियर अफसान से उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इम्तियाज़ साहब तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, और दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले जो नए एम्बेसडर साहब हैं वो इनसे भी अच्छे हों, उनसे भी कम्युनिटी के अच्छे तलकात रहें जैसे इम्तियाज़ साहब के रहें, और जो नए आने वाले अफसर होंगे उनसे भी गुजारिश है, उनसे भी यही है
रिक्वेस्ट है कि वो कश्मीर के मामलों को सरे फहरिस्त अपनी तरजीह में रखें और उनकी गैर मस्जिद मीडिया में स्वर्गवान पाकिस्तान के आला अफसरान से भी गुजारिश है कि वो कश्मीर के किसी भी मामले को, जैसे इम्तियाज साहब ने खसूसी तौर पर हाईलाइट किया, वो कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों को अपना तनाव न छोड़े और उनकी आवाज़ इसी तरह बुलंद करें। एक दफा फिर इम्तियाज अहमद खान साहब को उनकी जापान के अंदर बेहतरीन स्वास्थ्य की खिदमत पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।